थ्री के अंदर ये एक बहुत बढ़िया बात है यहाँ पे टीम स्काईलाइट गेमिंग के लिए। जी हम वही अगर बात की जाए रोटेशन की तो टीएसएम की टीम रोटेट करते हैं नजर आ गया। टीम सोल स्प्रे देने की कोशिश जरूर करें, स्पॉट आउट उनको जरूर करा गया। और ये दोनों टीमें देखिए, ये दोनों टीमें कभी भी बैकआउट नहीं करती। अगर फाइट का मौका मिलता है, कोई भी प्लेयर इनको वल्नरेबल पोजीशन में पकड़ा जाता है, दे आर गोइंग टू फाइट इट आउट। एंड दोनों टीमों के जो प्लेयर्स हैं वो काफी यंग है और काफी ज्यादा अटैक करने में बिलीव भी करते हैं। तो मैं देखना चाहूंगा पहला कौन नॉक निकालता है। अक्षत शुरुआत करते हुए एकनॉक्स के ऊपर एक अच्छा नॉक जरूर निकालेंगे और अब पुश करने की बारी बन सकती है। अक्षत एक बार नॉक करने के बाद पोजीशन शायद चेंज कर सकते हैं। कैवलरी को कॉल आउट भी दे दिया गया है। गोब्लिन यार ये नहीं रुकता है, जब भी प्लेयर को देखता हूं रश करते आपको नजर आते हैं। सामने दो प्लेयर आपको टीएसएम के जरूर नजर आएंगे और टीम सोल घेराबंदी करने की कोशिश करते हुए आपको देख जरूर जाएगी। बट यहां पे गोब्लिन्स पे करने की कोशिश नहीं, सपोर्ट करते हुए जैसे अपना बीकर की तरफ नॉक यहां पे नॉक करके जाता है। टीम सोल इज पुशिंग इट, पैन पैन हाथ में निकाल दिया। ओमेगा ग्लिच आउट हो जाते हैं क्योंकि उनका व्हीकल, आई डोंट नो वो व्हीकल कहां गया था, बट तो बेहतरीन मूव था बट अक्षत को गवा दिया यहाँ पे। तो टीम सोल को भी आगे का जो सफर है वो तीन प्लेस के साथ खेलना पड़ेगा। बट जैसे कि मैं बात कर रहा था, डे नंबर थ्री द डे ऑफ कमबैक्स एंड टीम सोल ऑलरेडी 10 फिनिशर्स निकाल चुके हैं। देयर आईजीएल ओमेगा डोमिनेशन पे आपको देखने को मिल जाएंगे। बट थ्री फिनिश चली जाती है। This is the experience of Rocks, right? And Rocks का नाम लिया वहाँ पे, Goblin को knock किया, एक long nade यहाँ पे Artemis द्वारा। Soul के players यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतों पे जा सकते हैं। Let's see किस तरीके से regroup करते हैं। Already अक्षत को खो चुके हैं। 10 picks यहाँ पे Team Soul already अपने ने निकाल चुकी है। थोड़ा सा फंसते हुए यहाँ पे दो players ESN के उनको रोकते हुए दिखाई देंगे। Omega को देखिए कितनी बखूबी यहाँ पे information gather करते हुए। Circle का shift उनकी तरफ आ चुका है। सामने मौजूद ये duo from ESN एक बड़ा hurdle उनके लिए जरूर है। But right now ये जो पूरी तरीके से trenches हैं, ये उनके लिए एक easy pathway बना रही है for the next circle as well. ये रेजिस्टेंस उन्हें पार कर रहा है एंड बढ़ना है सीधे आगे। बट इसी बीच रेकनिंग के मूव को नोटिस करते हुए यहां पे उनके आईजीएल कुछ प्ले देने की कोशिश जरूर करेंगे। राइट की तरफ स्मोक डाल के अपने लिए बचने के लिए कुछ प्रोटेक्टिव वहां पे गेस डालते हुए इस समय सोल के प्लेयर्स। बट लकीली अभी यहां पे वो एक कोई नॉक हुआ नहीं है। 7 सीज मौजूद यहां पे ओमेगा की तरफ से। रेकनिंग के ऊपर एक ओपनिंग निकाल दी गई है। बट किस तरीके से अब ग्लोबल ईस्पोर्ट्स एंड ये बाकी टीम्स जो नॉर्दर्न साइड की तरफ रोटेट करके अभी गई थी, मैं बात कर रहा हूं गॉडलाइक की, वो अब वापस आ पाएंगे या नहीं, ये एक देखने वाली बात रही। मिनरल रेकनिंग के प्लेयर थ्री को यहाँ पर खत्म कर दिया जाएगा। काफी अच्छा मूव यहाँ पर टीम सोल की तरफ से। बट उनको भी अभी जोन में एडवांस पोजीशन लेनी है तो यहाँ पर स्मोक तो करने पड़ेंगे। सामने ईएसएन के प्लेयर्स हैं एंड टीम सोल के लिए सबसे बेहतर पोजीशन यही रहेगी कि ईएसएन के प्लेयर्स को किस तरह से वो खत्म करते हैं। ओमेगा स्काउट करने की कोशिश करें, मेरे ख्याल से एक झलक उनको यहाँ पर जरूर मिली है प्लेयर्स की तरफ से। कीप किया सबको, दूसरी तरफ टीम सोल अलाउ नहीं कर रही ओपन से वहां पे रेकनिंग के प्लेयर्स को एंटर करने के लिए। नेगी ने वहां पे गिल को भी एलिमिनेट करके गॉडलाइक को इस गेम से एलिमिनेट कर दिया है। सो दिस वाज आल्सो नॉट अ गुड गेम फॉर गॉडलाइक। लेट्स सी कितने पिक्स उन्होंने यहां पे ऑलरेडी निकाले हैं। वहीं यहां पे टीम सोल मजबूती से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, सिर्फ एक ही पॉइंट पीछे इस समय उस पांचवें स्थान से। बट वो दो प्लेयर्स उनका रास्ता अभी भी रोक के खड़े हुए। रॉक्स का साथ देते हुए आर्टेमिस नजदीक ही एक एयर ड्रॉप गिरता हुआ, सर्कल क्लोजिंग कर रहा है छटा यहां पे। एंड साथ ही साथ मल्टीपल टीम्स इस समय फाइट के अंदर, क्या यहां पे टीम सोल एंटर कर पाएगी। एक स्मोक जरूर डाला गया सामने टू प्रोवाइड सम रेजिस्टेंस ओवर देयर, बट ओपनिंग क्रिएट करने के लिए ही इज रिलाइंग ऑन दोस नेड्स राइट नाउ। आर्टेमिस यहीं पे मौजूद एंड डेफिनेटली फुटस्टेप सुने डोलन ने यहां पे। कैन दिस बी द ओपनिंग दैट दे नीड बैडली एट दिस मोमेंट। फाइनली दे रिलाई ऑन द गन एंड एंटर ओवर देयर। सामने रॉक्स डैमेज देते हुए सोल के प्लेयर्स को, सब्सटेंशियल डैमेज पड़ता हुआ रॉक्स को जरूर यहां पे गिरा दिया गया है। बट ओमेगा के ऊपर यहां पे अब पूरी जिम्मेदारी। लेट्स सी ही इज गोना पिक समवन अप एंड ही डिसाइड्स टू पिक गॉब। अमन मेरे ख्याल से यहाँ पे जो कवर बनाया था ESN, जैसे वो अटैक करी थी टीम सोल तभी हम नोटिस कर सकते थे कि एक प्लेयर राइट हैंड साइड पे क्रॉस फायर में था, एक प्लेयर लेफ्ट हैंड साइड पे क्रॉस फायर में था। पोजीशन बहुत क्रूशियल, बट व्हाट जस्ट हैपेंड, दैट नीड वुड फिनिश टीम सोल।